अच्छा एक बात बताओ, पिता कचरा बीनते हैं या पैर में प्रॉब्लम है या ज़्यादा मजदूरी नहीं कर पाते या पैसे नहीं हैं घर में, इन चीज़ों की वजह से कभी बहुत बुरा लगता था कि वो खर्चा नहीं कर सकता जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं? हाँ, कभी कभी लगता था। मतलब जब मैं इवन दक्षिणा में भी पढ़ रहा था तो मेरे साथ बहुत बार ये ख्याल आते थे मन में, वो जब कब आते थे, जब मैं रात को सोने लगता था, क्योंकि उस टाइम कोई काम नहीं होता है सोचने के अलावा, तो जब तक नींद नहीं आता था तब तक सोचता है ऐसा ही क्यों है, अच्छा मेरे जैसा उसका भी हालत होगा, नहीं उसके पापा तो गवर्नमेंट जॉब में है, नहीं उसके पापा ये है, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों है, मैं ऐसे सोचता था। फिर उसके बाद में फर्स्ट बार जब मेरा नाम आया था पेपर में, तो मेरे बायो टीचर जो थे वो फेवरेट टीचर है, तो मैंने उनको कॉल किया, तो सर बोला कि सर मेरा ही नाम क्यों आया, मतलब मेरे कॉलेज में तो 100 बच्चों का सीट है ना, 100 का सिलेक्शन हो गया। बोले कि तेरे को दोनों तरफ से शांति नहीं, जब पहले बोलता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, अब बोलता है कि मेरे को इस उस टाइम थोड़ा मतलब पहले ऐसा लगता था कि हाँ ऐसा, अब नहीं लगता, अब तो नॉर्मल लगता है कि ठीक है, अब तो जहाँ मतलब सब लोग रिसाइड कर रहे हैं वहीं पर है और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो सपना तो आपने कहा कि आप फिफ्थ में थे जब आप बीमार पड़े, आपको तब लगा कि डॉक्टर बनना चाहिए, भाई जल्दी पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर मेडिकल की तैयारी कब शुरू करी? मेडिकल की तैयारी के मतलब 10th तक मुझे ये भी नहीं पता था कि 11th टू 12th में क्या पढ़ना पड़ता है मेडिकल के लिए, बस पढ़ते जा रहे थे हाँ डॉक्टर बनना है, टीचर पूछते क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। फिर एक दक्षिणा फाउंडेशन का एक NGO है, मतलब मोनिस प्रोफेसर चलाते हैं अमेरिका के, तो वो NGO का एग्जाम दिए, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आ रहा था तो बताया ये क्वेश्चन तो कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है, तो वो अटेम्प्ट करके आया, लेकिन जब एग्जाम रूम से बाहर निकला था तो उसमें 25 क्वेश्चन थे, तो जो बच्चे बाहर मतलब हम 12 बच्चे एग्जाम देने गए थे, तो एक बोल रहा ओ शिट एक क्वेश्चन छूट गया, एक बोल रहा अरे मेरा एक क्वेश्चन तो गलत हो गया, तो 24 ही हो गए। मैं सोच रहा हूँ मैं तो 18th अटेम्प्ट करके आया हूँ उसमें से कितने सही है कितने गलत, मैं सोचा अब तो पास होना है नहीं। फिर कॉल आया दक्षिणा से कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपको ज्वाइन करना है क्या? फिर दक्षिणा में गया, फिर पता चला कि मेरे क्लस्टर रीजन से टोटल, मतलब मेरे ही नवोदय से नहीं, हमारा एक रीजन होता है 7-8 नवोदय का, उस नवोदय से मेरा ही सिलेक्शन था, मतलब पूरे जहाँ एग्जाम देने गए थे उसमें मेरा ही सिलेक्शन था। आप जब ये महंगी महंगी कोचिंग से आए हुए बच्चों को देखते थे तो कभी ये लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा? हाँ वही एग्जाम तक लगता, लेकिन जब रिजल्ट आता था तब लगता नाटक करते हैं पूरा वो लोग नाटक करते हैं। हाँ मतलब हाँ कुछ कुछ लोग जेन्युइन रहते भी हैं, लेकिन इतने सारे लोग में से बहुत सारे तो नाटक करते हैं, क्योंकि मतलब मैं तो जितने को भी देखता हूँ किसी से पूछो पेपर कैसा गया, मतलब पेपर पूछना इसलिए हो जाता है कि ताकि अपना लग जाके पास होंगे कि नहीं होंगे, तो हर कोई यही बोलता है एक छूट गया दो छूट गया, और मेरा ऐसा रहता था कि एक दो नहीं छूटता, पूरा छूटता, 10-12 छूटता था, और उसमें पता नहीं रहता था कितना गलत है कितना सही है, बस अटेम्प्ट करके आना है। माता पिता के लिए कितना मुश्किल था आप लोगों को पढ़ाते रखना, क्योंकि कई बार ये होता है कि भाई बच्चों को भी काम पर लगा दो थोड़ी आमदनी बढ़ेगी, वो कितना प्रेशर था? वो मतलब जैसे काम पे करने का था तो स्कूल टाइम पे तो हम स्कूल जाते थे, उसके बाद में ये था कि खुद को लगता था कि नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत करते थे, उसके लिए तो बकरी वगैरह भी चराई है, जो कच्चा आम होता है उसको केरी बोलते हैं हमारे तरफ, वो भी बेचते थे गाँव में, तो गाँव में पूछते थे कहाँ करता क्या करता है, पढ़ता लिखता नहीं है क्या, नहीं नवोदय में पढ़ता हूँ, तो फिर यहाँ केरी क्यों बेच रहा है, नहीं छुट्टी में आया हूँ ना इसलिए, अच्छा अच्छा चलो ठीक है। फिर सब्जी बेचते लेते थे कभी कभी, मतलब घर पे ही सब्जी उगा के उसमें ज़्यादा लग जाती थी, इतना घर पे खा नहीं पाते थे तो वो बेच लेते थे। ये सब काम आपने किए हैं? हाँ। किस उम्र में? ये मैं जब 8th क्लास में था 9th क्लास में था तब की, क्योंकि छुट्टियों में नवोदय से आते थे तो ये काम करते थे। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त भी थे जो मतलब गाँव में ही रहते थे और वो भी मेरे ही साथ पढ़ते, थोड़ा मतलब ऐसा मैं बच जाता था इस गली से नहीं जाना है, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना कि वो क्लास में जाके सब बताएंगे, वो लोग थोड़े अच्छे घरों के होंगे वैसे। हाँ वो लोग अच्छे घर के, तो उनसे आप नजरें बचाते थे। हाँ मतलब अच्छा नहीं लगता ना, क्लास में जाके बताएंगे कि अच्छा सर हम वो आम बेचे, और वो भी मान लो घर में बुला लिया हाँ आम चाहिए, तो मतलब थोड़ा कैसा लगेगा, अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं नहीं जाता था यूजुअली वहाँ पे। और पापा का था तो पापा दिन में काम करते थे, पापा ने तो वैसे बहुत सारे काम किए, सब्जी भी बेचे हैं, उसके बाद में क्या करते थे घर पे कुछ मिठाई बनाते थे और नमकीन बनाते थे, और वो दिन में बेचते थे और रात में खेत में पानी देते थे। इवन कभी कभी मैं भी जाता था रात में, लेकिन मेरे को तो ठंड लगता था तो जल्दी नींद आ जाता था, लेकिन पापा करते रहते थे, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि दिन में सब लोग करते हैं तो दिन में कुएं का पानी ख़त्म हो जाता है, रात में कोई नहीं करते तो मतलब जो खेत का मालिक होता है उसका ऑर्डर होता था कि आपको रात में काम करना है, क्योंकि दिन में तो पानी रहता नहीं है, तो आपको रात में पूरा पानी ख़त्म कर देना है। तो दिन रात मेहनत की आपके पिता ने? हाँ वो तो मतलब ऐसा है कि आमदनी कम थी, और जैसे कि प्राइवेट स्कूल में मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा है, बहन भी पढ़ रही है, तीनों पढ़ रहे हैं, तो तीनों को पढ़ाने के लिए इतना वो भी है, घर को भी चलाना है।